नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसकी सहायता से एक मिनट में हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। हार्ट अटैक, जिसे हम सामान्य भाषा में दिल का दौरा भी कहते हैं, जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नसें किसी कारण से ब्लॉक हो जाती हैं और हृदय के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, तब दिल का दौरा पड़ता है। कई बार तो दिल का दौरा छोटा होता है, पर कई बार किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। पहले यह समस्या केवल 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाई जाती थी, परंतु अब लोगों की बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण 20 से 25 वर्ष के युवा भी इस समस्या से पीड़ित मिलते हैं। यदि हार्ट अटैक से पीड़ित को समय पर उपचार नहीं मिलता तो हृदय की मांसपेशी के उस भाग की मृत्यु हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी मदद मिलती है उसके हृदय को उतनी कम क्षति पहुंचती है। दिल का दौरा पड़ने पर जल्द मदद मिलने के लिए आपको दिल के दौरे के सभी लक्षणों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार कुछ व्यक्तियों में दिल के दौरे के लक्षण एक महीने पहले से दिखने लग जाते हैं। ऐसे में अगर पहले लक्षणों को पहचान लिया जाए तो दिल के दौरे को रोकना काफी हद तक सफल हो जाता है। कई बार दिल का दौरा इतना हल्का नहीं होता कि मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने का मौका दे, इसलिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि इस तरह की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। आज हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ एक मिनट में कैसे दिल के दौरे को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस नुस्खे के बारे में और इसके लिए क्या 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 हमें सामग्री चाहिए। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है लाल मिर्च पाउडर चाहिए, और 1 से 3 ताजी लाल मिर्च चाहिए, और साबुत मिर्च, और 50% अल्कोहल चाहिए, जैसे आप वोदका भी यूज कर सकते हैं, और 1 लीटर कांच की बोतल चाहिए खाली, और 10 दाने चाहिए। और जो नुस्खा बनाने की विधि है दोस्तों वो इस प्रकार है। इस मिश्रण को तैयार करने से पहले अपने हाथों को 10 दानों से ढक लें, फिर खाली बोतल में 1/4 हिस्सा लाल मिर्च पाउडर का डाल दें और उसमें उतनी ही अल्कोहल यानी वोदका डाल दें, जिससे पाउडर लाल मिर्च पाउडर उसमें समा जाए। और दूसरी तरफ ताजी साबुत लाल मिर्च को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए। इसमें सिर्फ उस मात्रा में अल्कोहल डालें जिससे कि आपको एक सॉस जैसा मिश्रण तैयार हो जाए। अब साबुत लाल मिर्च से बने पेस्ट को उसी बोतल में डाल दीजिए। अब आपकी बोतल तकरीबन 700 ml तक भर जाएगी। अब बोतल को अल्कोहल से ऊपर तक भर दें और ऊपर से बंद कर दें। इसको अब आपने एक स्थान पर रख देना है और दिन में बोतल को 4 से 6 बार हिलाना अच्छी तरह, ताकि सारी औषधियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस मिश्रण को 2 हफ्तों के लिए किसी डार्क जगह पर रख दें। फिर उस मिश्रण को किसी डार्क बोतल में द्वारा छान लें और छाने हुए मिश्रण को किसी सूखी और डार्क जगह में स्टोर करके रख दें। अब आपका मिश्रण 2 हफ्ते के बाद आपका मिश्रण तैयार है। अब हार्ट अटैक से पीड़ित मिश्रण व्यक्ति को इस मिश्रण की 5 से 10 बूंदें 5-5 मिनटों के बाद देते रहें, जब तक कि मरीज की हालत में सुधार न हो जाए। इससे मरीज स्वस्थ हो जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। हार्ट अटैक के मरीज के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हमारे वीडियो के नए अपडेट्स सीधे आप तक पहुंच सकें। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।